हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस की चैनल। और मैं हूं अभी विप्रो सर्किल पे, विप्रो सर्किल जो नाना करुंडा के पास है। और इसका नाम इसलिए विप्रो सर्किल पड़ा क्योंकि यहां पे विप्रो कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है हैदराबाद में। और मैं यहां से जा रहा हूं जुबली हिल्स चेक पोस्ट, वहां पे मेरे को वैक्सीनेशन डोज लेना है। और ये है मेरे दोस्त जो ब्लैक शर्ट में दिख रहे हैं, वो है मेरे दोस्त एजाज और मैं हूँ प्रिंस। हम लोगों ने बस का टिकट ले लिया है और बस का टिकट हुआ 60 रुपीज़ दो आदमी के लिए, क्योंकि हम लोग जाएंगे साइबर टावर और साइबर टावर से बस चेंज करेंगे क्योंकि ये जो बस है डायरेक्ट जुबली हिल्स नहीं जाती है। तो साइबर टावर का टिकट लिया और ये है हमारे कंडक्टर साहब जो बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है किधर जाएगी और उधर जाने के लिए कौन सा जो नंबर है, बस का नंबर है, वो कौन सा नंबर पकड़ना पड़ेगा उधर जाने के लिए। तो आप लोग भी बस साथ जुड़े रहिए। और ये जो जगह देख रहे हैं ये है गच्ची वाली हम लोग ट्रैफिक में रुके हुए हैं, अभी ग्रीन सिग्नल हो गया तो हम लोग आगे जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए गच्ची वाली का जो है ओवरब्रिज है, ये बहुत फेमस जगह है हैदराबाद में। तो आप लोग कभी आएँ तो आप लोग को पता रहेगा, ये जो रास्ता भी अगर दिख रहा था वो सीधे शमशाबाद एयरपोर्ट को जाएगा। और ये जो सीधे जा रहे हैं ये जाएगा हाईटेक क्रॉस, हाईटेक क्रॉस से माधापुर, हाईटेक सिटी और सीधे मेहंदीपट्टनम। ये जो सीधे रास्ता दिख रहे हैं ये जाता है मेहंदीपट्टनम, तो हम लोग को मेहंदीपट्टनम नहीं जाना है, हम लोग को यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो ये जो बस जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है और इधर है जो साइबर टावर है, साइबर टावर से फिर वहाँ से राइट लेना पड़ेगा, फिर हम लोग माधापुर जाएंगे, माधापुर से सीधे जाएंगे तो फिर जुबली हिल्स चेक पोस्ट। तो देखते हैं, प्लान कर रहे हैं कि शायद रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन बीच में ही पड़ता है तो शायद वहाँ से मेट्रो से हम लोग जाएँ, प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मन हुआ तो मेट्रो से ही चले जाएँगे, फिर बस चेंज करने का झंझट ही नहीं रहेगा। और ये देखिए सफ़र का आनंद लीजिए, कितने अच्छे जो व्यू हैं, ये बिल्डिंग है बड़ी बड़ी और ये माई होम जो है, माई होम बिल्डिंग है, ये बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका व्यू है। ये जो आगे देख रहे हैं वो आईकिया है, IKEA, ये बहुत ही फेमस, ये फर्नीचर के लिए या बहुत कुछ सब घर को डेकोरेट करने के लिए बहुत सारे इसमें सामान मिलते हैं, तो थोड़े कॉस्टली रहते हैं लेकिन बहुत ब्यूटीफुल सामान मिलते हैं। तो अभी आपको अगर कभी ख़रीदारी करना हो तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए रोड पे कितने अच्छे पंछियों का जो है डिजाइनिंग किया हुआ था, बनाया हुआ था, बहुत अच्छा था। और ये हम लोग नीचे से अंडरग्राउंड होके फिर बाहर निकले। और ये देखिए सामने जो है मेट्रो स्टेशन है, ये रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से ही मेट्रो स्टार्ट होती है इस रूट की। तो अगर किसी को मेट्रो पकड़ना होता है तो यहाँ आता है। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से मेट्रो ही ले लेते हैं, इजी रहेगा। तो हम लोग बस से उतर गए हैं और ये देखिए ऊपर जो है मेट्रो स्टेशन है और नीचे से सारी गाड़ियाँ जाती हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस के चैनल। मैं हूँ प्रिंस और ये है हमारे दोस्त, प्रिय दोस्त हैं एजाज। हम लोग जा रहे हैं जुबली हिल्स घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तभी आए हम लोग रायदुर्ग मेट्रो स्टेशन और यहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो से आगे जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है नया नया हैदराबाद में। आज आपको मेट्रो का सफ़र दिखाएंगे कैसा है और कैसे कैसे टिकट लेते हैं, कैसे ट्रेन में चढ़ते हैं और क्या कुछ प्रोसेस है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए प्लीज़। हम लोग एस्केलेटर से ऊपर आ गए और ये देखिए सामने लिफ्ट भी है नीचे से ऊपर आने के लिए, लेकिन हम लोग लिफ्ट से नहीं आए, हम लोग आए एक्सलेटर से। और ये जो सामने मैप लगा हुआ है वो पूरे हैदराबाद मेट्रो का मैप है, तो आपको पूरे हैदराबाद में कहाँ भी मेट्रो जाती है, कौन कौन से स्ट्रेटजिक स्टेशन है, तो आपको यहाँ से पता चल सकता है। और ये देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है ना, ये पूरे बिल्डिंग है, ऊपर में ओवर ब्रिज है और ये पेट्रोल पम्प है, नीचे गाड़ी आ रही है, अच्छा मतलब देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाके सबसे पहले टिकट लेंगे और टिकट लेके फिर हम लोग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। और दिल्ली में मैं मेट्रो में घुमा हूँ, वहाँ पे टोकन सिस्टम है, कार्ड सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो का सफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस है तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि टिकट लेने के बाद में फिर कैसे अंदर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पर कैसे जाते हैं और मेट्रो कैसी होती है, सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। सामने दिख रहा है टिकट लेने के बाद ही इसमें जा पाएंगे, तो देखते हैं टिकट काउंटर किधर है। हाँ, यहाँ पे राइट में है, तो पहले राइट में जाके हम लोग टिकट ले लेंगे। और टिकट लेने के बाद यहाँ पे 4-5 लोग ही लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं है,
जल्दी ही टिकट मिल जाएगा। अभी ये जो है टिकट काटने वाले हैं, एक ही हैं, और भाई साहब को मैंने लाइन में लगा दिया और बोला कि भाई दो टिकट ले लीजिए। और बस टिकट हम लोग ले लिए, और टिकट लेने के बाद अब लोग हम लोग अंदर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। ये देखिए यहाँ सामान रखने वाला है, और यहाँ से हम लोग अंदर आ करके, और ये जो है प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता होता है, बिना टिकट लिए यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे आपका टोकन या टिकट जो कुछ भी है वहाँ पे ये सेंस करता है, यहाँ पे दिखाते हैं, तब जाके ये गेट खुलता है, फिर अंदर जाते हैं। और अंदर जाके हम लोग का टिकट जो हुआ है 15-15 रुपये का हुआ है, 30 रुपये का दो आदमी का टिकट मिला है। तो हम लोग टिकट जो लिए हैं वो माधापुर का ही लिए हैं, क्योंकि माधापुर में भाई साहब का पीजी है और पीजी में उनका बाइक लगा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग बाइक ले लेंगे और बाइक ले कर फिर आगे जाएंगे। जाना तो है जुबली चेक पोस्ट, घूमना भी है और हमको वैक्सीन का डोज लेना है। तो ये प्लेटफॉर्म पे आ गए हम लोग ऊपर, और यहाँ पे ऑलरेडी मेट्रो खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। अभी अभी मेट्रो आई है, कुछ लोग अभी उतर भी रहे हैं, तो हम लोग अब अंदर जाएंगे, और जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेट्रो खोलने के लिए। तो देखते हैं अंदर में क्या है, अंदर में खाली है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, और अंदर में भी ये मैप लगा हुआ है आपको, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि आप कहाँ हैं। और यहाँ पे लाइट जलते रहते हैं, आप जो भी स्टेशन पे रहेंगे वहाँ पे लाइट शो होते रहेगी कि आप कौन सी जगह पे हैं। अब मेट्रो का गेट बंद होगा, देखिए बंद भी हो गया, और अब मेट्रो खुल भी गई। देखिए पीछे की तरफ दिख रहा होगा ग्लास से कि मेट्रो चल रही है, और पीछे बहुत ही अच्छा सुंदर व्यू है, लेकिन कैमरे में अच्छे से आ नहीं रहा है, क्योंकि मेट्रो का जो ग्लास है वो पूरी तरह से विजिबल नहीं है, वो पारदर्शी है लेकिन विजिबल नहीं है। हम लोग जो है माधापुरी उतर जाएंगे, और बीच में दुर्गम चेरू हाईटेक सिटी ये स्टेशन पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है, और वहाँ से उतर के भाई साहब का बाइक है तो बाइक ले लेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। तो आइए सफ़र का मज़ा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, ये बिल्डिंग है, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ मेट्रो से ऊपर, नीचे से तो रोड से जाने में समझ में नहीं आते ऊपर में क्या है। और ये जो देख रहे हैं ये है साइबर टावर, ये साइबर टावर बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि इस एरिया का ये सबसे पुराना टावर है, पुराना बिल्डिंग है। और ये देखिए एक सामने स्टॉपेज है, और ये जो स्टॉपेज है वो है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी नाम से ही लग रहा होगा कि हाँ कौन सा जगह है ये। और हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए, और ये डोर ओपन होगा, देखते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग उतरते हैं या नहीं, क्योंकि डे का समय है तो डे में ज़्यादा लोग जो है सफ़र नहीं करते हैं। ऑलरेडी जिसको ड्यूटी जाना होता है वो सुबह में जा चुका होता है, और शाम को ड्यूटी के आने टाइम में भीड़ होता है, तो दिन में भीड़ ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए कोई भी नहीं आया। हम लोग पहुँच गए माधापुर, और मेट्रो से बाहर आ गए, देखते हैं यहाँ पे कोई भी यार नहीं है इतना, सिर्फ हम लोग उतरे हैं मेट्रो से, पूरा स्टेशन खाली है। इतना फेमस जगह है फिर भी पूरा स्टेशन खाली है, वही बात है, डे का समय है तो ज़्यादा लोग सफ़र करते नहीं हैं, जिनको ड्यूटी जाना है चले गए हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत भीड़ होता है मेट्रो में, नीचे ट्रैफिक होने के कारण, मतलब नीचे रोड है, हम आपको नीचे जा कर के दिखाएंगे, तो चलिए साथ में नीचे चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग को एग्जिट करना है। और देखिए यहाँ पे एग्जिट करने के लिए जो है ये जो आपको टोकन मिला है उसमें डालना है, तब जाके ये गेट ओपन होगा, और मैं भी डाल दे रहा हूँ। देखिए ये ऐसे डालते हैं, तो डालने के बाद में फिर ये गेट ओपन होता है, तो फिर बाहर जाते हैं। और बाहर हम लोग आ गए, और यहाँ से पीजी तक कैसे जाना है प्लानिंग करते हैं हम लोग। आज मैंने रैपिडो बुक किया, और हम लोग बैठ के अब जाएंगे पीजी। यहाँ से यू टर्न लेके फिर पीछे जाना पड़ेगा, फिर जाएंगे पीजी के पास। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं साथ में। हम लोग यहाँ से यू टर्न ले लिए हैं, और ऑटो हम लोग बुक इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो पीजी है अंदर है, ये जो ऑटो है मेन रोड पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है, तो पीजी के पास जाने के लिए ऑटो बुक करना पड़ा।
ये देखिए झाड़ जो है चलते हुए जा रहा है, पहली बार देख रहा हूँ कोई पेड़ अपने आप चल रहा है। एक्चुअली है क्या समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको और पास में जाकर देखेंगे, हालांकि इसके पीछा करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है। चलो भाई आगे ले लो ऑटो, आगे ले लो इसको, देखते हैं क्या है ये। अरे यार ये तो पिकअप है, पिकअप पे जो है डाली जो है पेड़ पौधे की डाली काट के उस पर रखी गई थी। छोड़िए चलते हैं आगे और सफ़र का मज़ा लेते हैं। ज़िंदगी तो चलती रहेगी लेकिन हर एक टाइम को एंजॉय करना चाहिए, मज़ा लेना चाहिए ज़िंदगी का। घूमते हैं, मज़े लेते हैं, आप भी लीजिए हम भी लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सफ़र है ये, दोस्तों के साथ जो सफ़र होता है ना, कहीं भी चले जाओ दुनिया में किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर दोस्त साथ हो तो। और ये जो है पीजी वाली गली में हम लोग आ गए हैं, और पीजी यहाँ से बस नज़दीक है, आगे जाके राइट लेंगे और राइट में ही पीजी है, वहाँ से उतर के और फिर पीजी में। लोग पीजी के पास आ गए हैं, वो देख सकते हैं नीचे जितना बाइक लगा हुआ है पार्किंग में, ये सब बच्चों का बाइक है जो लोग यहाँ पे रहते हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से, लिफ्ट जो रूम है पीजी का जो रूम है वो 5th फ्लोर पे है, तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं और रूम में जाकर के हम दिखाएंगे आपको रूम कैसा है और इसके आजू बाजू मतलब खिड़की से या कहीं से भी क्या कुछ दिखता है वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो पहुँच गए हम लोग 5th फ्लोर पे, यहाँ बाहर आ गए और ये देखिए डोर बंद कर दिए, यहाँ पे 3 बोतल जो रखा हुआ है पानी का, और ये गली है रूम का, और ये गली से ऊपर बाहर दिखाते हैं यहाँ से क्या दिखता है पैसेज से। ये देखिए बिल्कुल हरा भरा सिटी है, कहीं भी आप बिल्डिंग तो है ही है लेकिन पेड़ पौधे भी बहुत हैं सिटी में, तो आपको शुद्ध हवा जो है मिलता रहेगा आप सिटी में चाहे कहीं भी रहें। तो ये एक खास बात है हैदराबाद की, और मैं बेंगलोर में भी रहा हूँ तो वहाँ पे भी ये चीज़ जो है देखने को मिलती है। ये है जो रूम है भाई साहब का पीजी का, देखिए बच्चे ऐसे ही रहते हैं, बेड ऐसे ही होगा, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ, और ये टीवी है। बाइक लेके हम लोग बाहर निकल गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, हम लोग बाइक पे हैं, तो बस से मेट्रो, मेट्रो से ऑटो, ऑटो से बाइक, या क्या सफ़र चल रहा है आज। और ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा, और यहाँ से बाहर निकल के माधापुर मेन रोड से हो करके फिर हम लोग जुबली हिल्स चेक पोस्ट जाएंगे। और ये देख लीजिए हम लोग पहुँच गए हैं जुबली हिल्स चेक पोस्ट, और यहाँ पे हमको जो वैक्सीन का 3rd डोज है बूस्टर डोज वो लेने का है, जो क्या है ऐप में मेरे रोज़ नोटिफिकेशन आ रहा, तो मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया और ये मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ। अंदर चलते हैं और अंदर जा करके थोड़ा वेट करते हैं। मैंने वैक्सीन का डोज ले लिया बूस्टर डोज, तो मैं अब बाहर जा रहा हूँ, वो क्या है मेरे जाज भाई यहाँ पे छोड़ के, फिर उनको कुछ काम था तो वो चले गए, तो मैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के चला जाऊँगा जहाँ जाना है। तो ये मैं आ गया जुबली हिल चेक पोस्ट जो है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे आ गया, देखिए ऊपर लिखा है जुबली हिल चेक पोस्ट, और ये स्टेटर से ऊपर जाऊँगा और ऊपर जाके टिकट लेंगे, और सेम प्रोसीजर है जो आप लोग पहले देख चुके हैं। और चलिए आइए तो सफ़र का मज़ा ले ही लेते हैं। सामने मेट्रो खड़ी है लेकिन से लोग उतरे भी, चलते हैं मेट्रो में। और ये क्या यार, पहुंचते पहुंचते मेट्रो का गेट बंद हो गया, कोई बात नहीं अगली मेट्रो से चले जाएंगे, इसको जाने देते हैं, क्या दिक्कत है, मेट्रो आती रहती है, 5 मिनट 10 मिनट काफ़ी हो गया उतना टाइम में समय, मेट्रो का वेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मेट्रो आती जाती रहती है, ये ऑटो बस की तरह नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, ये हमेशा आती रहती है। दूसरे रूट की जो मेट्रो है वो भी जा रही है, थोड़ा वेट करते हैं जरूर मेट्रो आ जाएगी, और मैं यहाँ से फिर रायदुर्ग जाऊँगा और रायदुर्ग से फिर ऑटो या बस से रूम में चला जाऊँगा, क्या है कि वहाँ से आगे जो है मेट्रो जाती नहीं है, तो वहाँ से हमको ऑटो या बस से जाना पड़ेगा। मेट्रो आ गई है और मैं ये मेट्रो में अंदर जाऊँगा और अंदर जाके बैठ जाएंगे आराम से, ज़्यादा दूर का सफ़र नहीं है, मेट्रो में बहुत जल्दी सफ़र जो है पूरा हो जाता है, ट्रैफिक रहता नहीं है और मेट्रो ज़्यादा देर कहीं रुकती नहीं है, तो ये खास बात होती है मेट्रो की, तो इसमें ट्रैफिक का झंझट ही नहीं है, कहीं आपको ट्रैफिक का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं यार, मज़े लेते हैं। मेरे ख्याल से मेट्रो का जो है सफ़र जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मेट्रो का सफ़र जो है बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और इसमें जो लोग होते हैं वो ट्रेन की तरह या बस की तरह ज़्यादा अभद्र व्यवहार नहीं करते, बिल्कुल शांत होते हैं और अपना सफ़र का जो है
आनंद लेते हैं। हम मैं उतर गया आके रायदुर्ग और यहाँ से नीचे जाऊँगा, लिफ्ट में बहुत भीड़ था तो यहाँ से सीढ़ी होगी, मैं वहाँ से नीचे चला जाऊँगा। और जिस तरह मैंने ट्रेन में चढ़ा था सेम उतरने का भी प्रोसेस वही है। और ये देखिए मेट्रो का जो गेट है वो बंद हो रहा है। आपको डरने की बात नहीं, कभी आप मेट्रो में ऐसे बंद होते टाइम अगर फंस जाते हैं तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो अपने आप गेट ओपन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप उसमें फंस जाएंगे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा ट्राई मत करें क्योंकि इसकी वजह से मेट्रो जो है थोड़ी लेट हो जाती है, तो बिल्कुल समय से आप अंदर जाएँ या बाहर निकलना है बाहर निकलना है, आपको टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और ये देखिए एक बॉल भी मेट्रो यहाँ पर खड़ी हुई है और सारे लोग नीचे चले गए सिर्फ मेरे अलावा। चलिए नीचे चलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। आज का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय।